विचार है, देश को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने को तैयार है। नमस्कार, मैं लक्ष्मी कक्षा 11वीं की छात्रा आज आप सबके समक्ष खादी महोत्सव पर कुछ शब्द व्यक्त करना चाहती हूँ। हमारे देश भारत के लिए खादी एक वस्त्र नहीं बल्कि एक विचार है। देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने भी देश को बेरोजगार और ग्रामीण जनता को रोजगार प्रदान करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए खादी को अवधारण विकसित की थी। खादी महोत्सव खादी के महत्व उपयोग करने के लिए जागरूकता फैलाने के प्रयास में भारत सरकार द्वारा चलाया गया एक महोत्सव है। यह देश भर में 31 अक्टूबर तक मनाया जा रहा है। खादी से बनाए गए कपड़े हम गर्मी और सर्दी दोनों ही मौसम में आसानी से पहन सकते हैं। ये हर मौसम के लिए अनुकूल है होते हैं। स्वतंत्रता संग्राम में खादी, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी खादी का विशेष महत्व रहा है। ये संग्राम का एक अहम हिस्सा माना जाता है। गांधी जी ने 1920 के दशक में भारतीय गांव को आत्मनिर्भर बनाने हेतु खादी के प्रचार प्रसार पर बहुत जोर दिया। वर्तमान में हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने खादी फॉर नेशन, खादी फॉर फैशन का मंत्र दिया और खादी को अब एक फैशन स्टेटमेंट का रूप दिया जा रहा है। अब इसका उपयोग डेनिम जैकेट, शॉर्ट्स, ड्रेस, सामग्री स्टोर, घरेलू सामान जैसी चीजों में भी किया जाता है। खादी महोत्सव देश को आत्मनिर्भर बनाने हेतु सरकार की एक अच्छी पहल है। ये महोत्सव वोकल फॉर लोकल को भी प्रोत्साहित करने वाला है। हम सबको इस महोत्सव में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए और खादी को अपनाकर के विकास में अपने भागीदारी अवश्य देना चाहिए। खादी को अपनाकर आत्मनिर्भर भारत बनाए, देश के विकास में भागीदारी अपनी निभाए। धन्यवाद। A very good morning to respected principal, ma'am, board of staff members and all my dear friends. Today, I, Rashmi from class 12, is going to share information on khadi. Khadi is the fabric on freedom struggle and the father of nation Mahatma Gandhi developed the concept of khadi. Khadi is not just a piece of cotton. It is a symbol of our nation pride. Khadi means to provide employment to the unemployed rural population and make us self-reliant. Gandhi's leadership as a movement of boycott British rule. It was then the fabric of freedom fighters and the ruler fall. Gandhiji started his movement for khadi in 1918. His emphasis at first on khadi as provide relief to our poverty. But one find a change in emphasis from 1934, especially from 1935 when the begins on instant on khadi for two villages. Gandhiji saw khadi as a source to help the poor living in village earn a living. He saw khadi as a self-sufficient material. This became a movement and boycott foreign goods and promoting the Indian goods, which would instant boost the Indian economy. Thanks, have a nice day. Thank you, Rashmi. Thank you and have a nice day.